बिहार में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में अब तक 11 मौत हो चुकी है। बिहार में 7 दिन में 2.5 गुना बढ़ा है कोरोना। कोरोना ने बिहार के एक प्रशासनिक अधिकारी की जान ले ली। 16 साल के एक बच्ची की भी जान चली गई है। पीएमसीएच में 4, एनएमसीएच में और एम्स में 3, पारस में 1 की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में 1 महिला की मौत हो चुकी है जो उस 11 में शामिल नहीं है। प्रवासी भी लगातार मुंबई और दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। मुंबई से जो ट्रेनें आ रही हैं, विशेष ट्रेनें चलेंगी। मुंबई से 106 विशेष ट्रेनें चलेंगी। आप समझ सकते हैं क्या होने जा रहा है। आइए देखते हैं आज कहाँ कितने कोरोना निकले हैं। अररिया में 33, अरवल में 48, औरंगाबाद में 122, बांका में 32, बेगूसराय में 105, भागलपुर में 334, 300 से कम कभी नहीं, भोजपुर में 166, बक्सर में 97, दरभंगा में केवल 24, ईस्ट चंपारण में 92, गया में भी 300 से कम नहीं रहते हैं, 334, 105 है गोपालगंज की संख्या, जमुई में 21, जहानाबाद भी 100 से कम नहीं 128, कैमूर 20, करियार 107, खगड़िया 26, 32 हैं किशनगंज में, लखीसराय में 44, मधेपुरा में 47, मधुबनी में भी 47, मुंगेर 97, मुजफ्फरपुर लगभग 250, 242 की संख्या, 300 पहुँचने ही वाला है, नालंदा में 29, नवादा में 44, पटना 1500 के पास ही रहता है, 1483 आज के दिन में, फिर पूर्णिया में 98, रोहतास में 69, सहरसा 103, समस्तीपुर में 112, सारण 117, 40 हैं शेखपुरा में, सीवर में केवल 17, सीतामढ़ी 60, सीवान में 88, जो पिछले साल तहलका मचाया था, सुपौल में 47, 57 है वैशाली में और वेस्ट चंपारण में है 97, यानी 100 के करीब, 5000 के करीब नए मरीज मिले हैं पूरे बिहार में, 4786 की संख्या है नए मरीजों की। मुजफ्फरपुर में सन्नाटा शाम में 7 के पहले ही छा गया। आप देख रहे हैं गुड़िया बाज़ार की स्थिति, इस समय यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है और अभी आप फर्राटे लेते हुए निकल सकते हैं। दुकानदार दुकान जल्दी बंद करने को तैयार नहीं है, पर आज भीड़ बाज़ार में बिल्कुल नहीं है। लोग पहले से घर जा चुके हैं, दुकानदारों में लोगों की कमी और भीड़ की भी कमी है बिल्कुल। रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी हो रही है और बिस्तर यानी मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रहे हैं, तो आप स्थिति की नज़ाकत समझ सकते हैं, या तो बेड की कमी है या सरकार पहले से सचेत नहीं हो पाई। कोरोना बेकाबू होते जा रहा है, सरकारी आंकड़े हर रोज़ पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आशंका गहरी हो गई है कहीं सरकार को मजबूरी में पाबंदियों को बढ़ानी नहीं पड़े। 17 तारीख के बाद फैसला आएगा, हो सकता है शाम 7 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू बिहार में भी लागू हो जाए, पाबंदियां लगानी पड़ेगी। आज CBSE की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है। माना जा रहा है नई गाइडलाइन में कई तरह की पाबंदियां लगना तय है। झारखंड में नए कोरोना के स्ट्रेन मिलने से और भी खलबली मच गई है। अपना ख्याल रखें, OMG बिहारी सब्सक्राइब करें कोरोना की खबरों के लिए, मास्क ज़रूर पहनें।